तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 4 फरवरी, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में, जो कि एप्पल की नई कार आ रही है मार्केट में, उसके बारे में बात करूंगा आखिर क्या कुछ नया है इस कार में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा न्यूज़पेपर का कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने इंपोर्टेंट एडिटोरियल होंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट है, एक एक करके यहां पर नजर डालेंगे। कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आप लोग काफी कुछ सिखाकर जाने वाले हैं। एक तो इंडिया और चाइना के बारे में बात करूंगा। विंटर ओलंपिक को आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में क्यों यहां पर लोग जो है वो बायकॉट कर रहे हैं, और हमारी कंट्री के एक लौते जो खिलाड़ी है विंटर ओलंपिक में वो कौन है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और किस गेम से यहां पर ये रिलेटेड है, आखिर इंडिया ने जो कि स्टार्टिंग से बोल रहा था पार्टिसिपेट करेगा अब आकर मना क्यों कर दिया पार्टिसिपेट करने से, बहुत सारे मुद्दे हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में एक और आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है, आगे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात यहां पर की जा रही है। तो उसके चलते अभी बजट में आप लोगों ने देखा 30% यहां पर इसके ऊपर टैक्स लगाया गया। तो करेंसी की पूरी हिस्ट्री के साथ में मैं बात करूंगा आखिर हमारी कंट्री में अब तक क्या प्रोविजन था, आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तमाम जो भी इंपोर्टेंट मुद्दे हैं वो हम लोग जानेंगे। एक इंपोर्टेंट मुद्दा इसी आर्टिकल में आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा कि क्या होता है सेस सरचार्ज, ये सारे मुद्दों के बारे में बात करूंगा, जिसको कंफ्यूजन होगा उसका कंफ्यूजन यहां पर दूर हो जाएगा। इसी के साथ में आप लोगों से यहां पर बात की जाएगी कि बजट के अंदर जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं वो किस तरीके से क्या यहां पर ये फायदा पहुंचाएगी जनता को, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में एक आर्टिकल है जो कि बॉर्डर के इशू के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको समझेंगे और कहां कहां पर इंडिया चाइना के रिलेशन में दिक्कत देखने को मिलती है, कई सारी तमाम बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक आर्टिकल यहां पर बात कर रहे हैं जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, और वो आर्टिकल है हांगकांग से रिलेटेड, यानी कि चाइना क्या बदतमीजी काट रहा है। पर लेकिन हम लोग यहां पर क्या करेंगे, चाइना क्या बदतमीजी काट रहा है हांगकांग के अंदर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा हांगकांग और चाइना के रिलेशन के बारे में। बाकी जो मेन मुद्दा होगा वो मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इंडिया के अंदर रिसेंटली अभी जो कश्मीर प्रेस क्लब था वो यहां पर अभी उसको बेसिकली क्या किया गया, बंद किया गया, तो इससे हमारी कंट्री में क्या इशू देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग इसको जब समझेंगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के साथ में जब आगे बढ़ेंगे न्यूज़ एनालिसिस में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर हरियाणा के बारे में बात की जा रही है, कोटा के बारे में। तो हरियाणा का जो कोटा दिया जा रहा था जॉब के अंदर में, उसको अभी रिसेंटली हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। आखिर क्यों स्टे लगाया गया और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, और संविधान में इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है जिसके चलते यहां पर ये स्टे लगाया गया, समझेंगे पूरा। कल आप लोगों को याद होगा मैंने गवर्नर से रिलेटेड आप लोगों का पूरा पॉलिटिकल एक चैप्टर कवर किया था, तो उसी के चलते आज फिर यहां पर कुछ बातें आई हुई हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा तमिलनाडु के अंदर क्या अभी यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। एक जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को बेसिकली मतलब एक तरीके से मार दिया, ओनली एक उसको संदेह हो रहा था कि उसका किसी और के साथ में अफेयर है। कई सारी ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जिसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, आप लोग जान पाएंगे कि कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। मैरिटल रेप के बारे में यहां पर बात करेंगे, आखिर रिसेंटली क्या क्या मुद्दे यहां पर है, कुछ एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भीमसेन जोशी, तो यहां पर इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप लोगों से हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट फिर से यहां पर न्यूज में आया, आखिर क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। यूपी के इलेक्शन को लेकर घमासान चल रहा है, तो उसी के चलते यहां पर कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। बाकी यहां पर बात करेंगे इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में, आखिर क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है, और WHO के द्वारा इंडिया का जो मैप है उसको गलत दिखाया जा रहा है, इसके बारे में एक इशू है उसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि हमारे लिए खासकर गलत बात है अगर देखा जाए जो WHO ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर बात करें यहां पर एक एग्जाम के बारे में जिसको बोलते हैं गेट, यानी कि ग्रेजुएटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो यहां पर इसको पोस्टपोन करने की बात की जा रही थी, तो क्या मुद्दा है। गगनयान 3 के बारे में बात करेंगे, अभी यहां पर लॉन्च करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में थोड़ा सा गगनयान 2 के बारे में भी आप लोगों से बैकग्राउंड में बात करूंगा। श्रीलंका के फिशरमैन आखिर क्यों यहां पर रो रहे हैं यहां पर आज के में, जब इंडिया के फिशरमैन फिशिंग करते हैं, तो ये मुद्दा समझाऊंगा आप लोगों को। ट्रोलिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जो यहां पर ट्रोलर यूज किए जाते हैं हमारे देश में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर रशिया और बेलारूस के बारे में हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, हालांकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पुतिन और इमरान दोनों हैं विंटर ओलंपिक के अंदर, पर इंडिया ने बायकॉट कर दिया है, जानेंगे आखिर क्या मुद्दा है। और बाकी अगर क्रिकेट के प्रेमी हैं तो रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हो चुकी है, और वीडियो के एंड में ये सुडोकू होगा। बाकी आज के जो SLV कमांडो हैं इनका नाम है हर्षिता, शानदार तरीके से आंसर देंगे, आपको भी पार्टिसिपेट करना है, जो क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर अच्छे से देना, और वीडियो के एंड में वोकैबुलरी और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे उनके आंसर। तो ये ऐसा कुछ डिस्कशन हमारा रहने वाला है, मैं आशा करता हूं आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय करोगे और एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा। और हां आप लोगों को यहां पर एक कोटेशन भी दूंगा जो कि मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, और कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिनके आंसर आप लोगों को देना है, और आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्कशन रहेगा, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। अगर लगता है आप लोगों को जहां जहां पर पॉइंट इंपोर्टेंट है नोट करने लायक, उनको नोट करते हुए चलिएगा, इनकी कॉपी और पेन अपने पास में रखिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग वीडियो देखने के बाद में कि हाँ यार कैसा लगा डिस्कशन, तो वीडियो को लाइक कर आप लोग बता सकते हैं। एक सेकंड लगती है, इससे लेक्चर को सही डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग न्यूज यहां पर ये है, एप्पल के आईफोन तो लोगों ने यूज किए हैं दबाकर, क्योंकि काफी शानदार तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहती है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी काफी शानदार यहां पर माने जाते हैं। पर लेकिन अभी एक र्यूमर काफी लंबे समय से चलता हुआ रहा था कि एप्पल जो है वो कार भी लॉन्च कर रहा है, तो फोन के बाद अब कार के एरिया में भी होगा धमाल, क्योंकि एप्पल जो है वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें चाहे सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया जाता है वो है किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर एक ये है कि आज के में हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो लगभग 3 ट्रिलियन है, यानी कि 3 ट्रिलियन हमारी कंट्री की जीडीपी है और इतनी ही आप लोगों को एप्पल कंपनी की वर्थ देखने को मिलेगी, यानी कि एक कंट्री की जीडीपी के इक्विवेलेंट ये कंपनी है और आज के डेट में दुनिया में सबसे बड़ी सबसे ताकतवर कंपनी है पैसे कमाने के मामले में। अगर कोई एप्पल के बारे में आप लोगों से पूछे, जो नई कार यहां पर आने जा रही है, नॉर्मली अगर आप लोग थोड़ी सी ठीक कार की कैटेगरी में जाएंगे तो ऊपर से उसकी जो छत है वो खुल जाती है और आप लोग धूप का मजा ले सकते हैं एक चलती हुई कार के अंदर में। पर लेकिन एप्पल यहां पर कुछ ऐसा अभी यहां पर करने जा रहा है जिसके चलते आप लोगों को ये कार की जो छत है वो खोलनी नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा, बिना छत खोले ही आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं उस छत को। तो ये एक नई नेक्स्ट लेवल की इन्वेंशन आप लोगों यहां पर एप्पल के द्वारा देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले टाइम में कार का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा बेहतरीन बनाएगी। तो ये एक नया यहां पर आविष्कार इनके द्वारा किया जा रहा है और भी एप्पल की कार है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आने वाले टाइम में इस फील्ड में और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी कार आप लोगों ने देखी होगी शानदार तरीके से, अभी इलोन मस्क भी अपनी गाड़ी के साथ में आ रहे हैं मार्केट में, अभी यहां पर एप्पल भी टक्कर में आएगी। तो यहां पर जो कंपनी सही परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है अगर वो मार्केट में आती है तो दूसरों के लिए भी यहां पर खतरा कहीं ना कहीं हो जाता है। आप लोग सबसे फेवरेट कार कौन सी है आप लोग ये बता सकते हैं, आप लोग अगर बात करेंगे यार ये कार कम से कम मेरे पास में होनी चाहिए दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग किसी भी कार का नाम बता सकते हैं और बाकी उसके साल में उसकी कंट्री का भी नाम बताएगा, क्योंकि कई बार आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आप लोग कौन सी कार पसंद करते हैं, ठीक है, किस कंट्री की है ये कार, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से भी मतलब क्या आप लोग की चॉइस क्या है और चॉइस के साथ में क्या आप लोग उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आप लोग यहां पर याद रखेगा। बाकी जब मैंने इसको सर्च किया तो यहां पर कार्टून भी था कि एप्पल की कार कुछ कुछ ऐसी आप लोग को देखने को मिलेगी, तो यानी कि उन्हें मजा लेने वाले लोग भी खूब मिल जाते हैं, तो यहां पर इसका मजा भी लिया जा रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक एक करके, अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में जो सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएगा वो है बेसिकली बीजिंग ओलंपिक का इंडिया के द्वारा बायकॉट किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल न्यूज एनालिसिस में भी फ्रंट पेज पर ही दे रखा है और आज इसी के ऊपर एडिटोरियल भी आ गया है, तो दोनों को साथ में कंबाइन कर डिस्कस करेंगे आखिर यहां पर हमारी कंट्री क्यों बायकॉट कर रही है बीजिंग ओलंपिक को। ठीक है, तो ये होगा पूरा मुद्दा जिसको हम लोग यहां पर समझने वाले हैं काफी अच्छे से, तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। अभी आप लोगों को पता है ओलंपिक होने वाले हैं बीजिंग में, बीजिंग यानी चाइना के अंदर में, तो ये जो ओलंपिक यहां पर होने वाले क्या स्टार्ट हो चुके हैं आज से, यानी कि 4 फरवरी से। तो ये जो यहां पर ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं इसमें इंडिया के द्वारा बोला गया था वो पार्टिसिपेट करेगा, पर लेकिन अभी एन मौके पर आकर इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यहां पर काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई है। तो याद रखेगा यहां पर मुद्दा क्या बना हमारा बायकॉट करने का, हमारा मुद्दा यह बना कि जो गालवान वैली में जब झड़प देखने को मिली थी, कई सारे हमारी कंट्री के जो जवान थे वो शहीद हुए थे वहां पर, उसी के टाइम पर यहां पर जो यहां पर एक पर्टिकुलर ये इंसान जो है ये इनका आर्मी कमांडो है, ये काफी ज्यादा यहां पर न्यूज में था, तो चाइना के द्वारा इसको यहां पर काफी ज्यादा उन्हें एक तरीके से प्रोत्साहन दिया गया, इसको कई सारे अवार्ड दिए गए इसके द्वारा जो बदतमीजी की गई वहां पर, जो बेसिकली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में, तो इसको अप्रिशिएट किया गया पूरे चाइना के अंदर में और अप्रिशिएशन इस लेवल पर पहुंच गया कि यहां पर इसको अभी यहां पर टॉर्च बियरर बना दिया है यहां पर बेसिकली ओलंपिक के अंदर में। तो ये काफी एक ऐसी कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया को इरिटेट करने वाली बात थी कि एक तो झड़प हुई, कई सारे हमारे कंट्री के जो जवान है वो शहीद हुए और चाइना के कई सारे लोगों की जान गई, और बदतमीजी देखो हमारी कंट्री में जब जवान शहीद हुए तो हम लोगों ने बोला कि हाँ हमारे जवान शहीद हो गए, पूरे देश ने यहां पर एक तरीके से एक शोक बनाया, एक तरीके से याद किया उनको, पर लेकिन चाइना ने काफी लंबे समय तक तो ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि इनकी देश में किसी की जान भी गई है। तो ये यहां पर इनकी आप लोग समझ सकते हैं अपनी कंट्री खुद के
जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से कि हाँ हमारे लोगों की इस तरीके से जान गई है, तो शहादत जो है उनको भी यहाँ पर ये एक तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि हाँ ये हो लगेगा कि हाँ इंडिया ने बहुत सारे चाइना के जो लोगों को मार दिया बॉर्डर पर, तो इसके चलते ये सारे देख सकते हैं। पर लेकिन अब जो है बदतमीजी की प्रकाष्ठा पार की जा रही है चाइना के द्वारा ये ऐसी हरकतें करके, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला मुद्दा है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, हमारी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया है यहाँ पर बेसिकली। पर लेकिन क्या हमारे प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे? जी हाँ, हमारे प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे। और प्लेयर क्या, बस एक ही लोते प्लेयर है जिनका नाम है आरिफ खान। तो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं यहाँ पर आरिफ खान। तो यहाँ पर क्योंकि बर्फ वाला इलाका है तो इससे रिलेटेड जो गेम है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर ये खेलेंगे। कुछ कुछ ऐसे आप लोग यहाँ पर ये गेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, इस गेम का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा गेम है जिसके बारे में आप लोग याद रखें, एक ही लोते प्लेयर है हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले। तो अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन उसके बारे में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर विंटर ओलंपिक के बारे में, तो याद रखिएगा विंटर ओलंपिक जो है यहाँ पर बेसिकली काफी इंपोर्टेंट है। नाम से ही विंटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये 1924 में यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर वे में स्टार्ट किए गए थे फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ये एक नहीं, वो कहते हैं जो समर ओलंपिक हुआ करते थे, तो विंटर ओलंपिक जो है समर ओलंपिक का एक तरीके से पार्ट हुआ करते थे स्टार्टिंग से, अगर बात करें जब से ओलंपिक स्टार्ट किए गए, ठीक है। पर लेकिन आगे चलकर लगा कि यार सेपरेट होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर विंटर ओलंपिक को यहाँ पर समर ओलंपिक से सेपरेट कर दिया। समर ओलंपिक कहां पर हुए थे, जहां पर हमारी कंट्री के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। चलिए आज थोड़ा सा काम भी आप लोगों को देता हूं, रिवाइज कर लीजिएगा। समर ओलंपिक जो अभी रिसेंटली अभी देखने को मिले थे, जिसमें हमारी शानदार परफॉर्मेंस निकल के आई थी, हमारे द्वारा कितने मेडल जीते गए थे और इसमें यहां पर कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल थे, ये आप लोगों को बताना है। और कहां पर होता, टोक्यो के अंदर होता ये ओलंपिक। और इंपोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि पहला ओलंपिक ऐसा था जो ओलंपिक के इतिहास में जिसको पोस्टपोन किया गया था, वरना पास्ट में ओलंपिक जो है वो कैंसिल हुए, कभी भी पोस्टपोन नहीं हुए। इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि हाँ क्या क्या कंडीशन देखने को मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, कई बार इक्का दुक्का नंबर के क्वेश्चन कई बार निकल जाते हैं या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन जाती है, तो अगर इनको आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करते रहोगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक पर्पज ये कि ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। तो ये थी यहाँ पर बेसिक बातें। अब थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। जब यहाँ पर इंडिया चाइना और रशिया यहाँ पर RIC की मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम पर हमारे द्वारा बोला गया था कि हम लोग जो है विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे, इसको बायकॉट नहीं करेंगे। बायकॉट करने का मुद्दा कहां से आया निकलकर, बायकॉट करने का मुद्दा है यूएसए से। यूएसए ने बोला कि जो चाइना का जिंगजियान वाला रीजन है वहां पर काफी ज्यादा ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, काफी सारे लोगों को वहां पर मारा जा रहा है, इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो यहां पर बोला गया कि सबको एक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। दूसरा मुद्दा था यहां पर हांगकांग का। हांगकांग को लेकर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बातें बोली गई कि चाइना जो है हांगकांग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा बना जिसमें लोगों की काफी बड़ी रिएक्शन यहां पर निकल कर आई। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि चाइना का जो ओलंपिक का जो गेम है उसको यहां पर सबने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, लार्जेस्ट मैक्सिमम कंट्री के द्वारा। पर लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लंगोटिया यार हैं जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इसके ऊपर भी न्यूज एनालिसिस में एक आर्टिकल है कि पाकिस्तान जो है चाइना में पहुंच गए। हालांकि ये माना जा रहा है पाकिस्तान की खस्ता हालत है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पर एक तरीके से पैसा लेने पहुंचे हैं, यानी कि चाइना जो है वो उनको कुछ हेल्प करेगा इसी बहाने से। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अभी जो एक काफी बड़ा इश्यू निकल कर आ रहा है वो है यहां पर लोगों की उन्हें एक तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा गेम होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को ताकतवर दिखाने की बात की जाती है। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा भी यहां पर ये बातें बोलेगी कि पहली बार पेंडेमिक के बाद में कोई इतना बड़ा गेम जो है वो ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं, यानी कि अब तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने पेंडेमिक को ढंग से हैंडल किया हो, हम लोगों ने पेंडेमिक को ढंग से हैंडल कर लिया। अरे बदतमीज इंसान, पूरी दुनिया को ये कोरोना तुम्हें दिया है और तुम ही अपनी बखान उठा रहे हो कि हाँ हम लोगों ने पेंडेमिक को हैंडल कर लिया। तो ये ऐसी बदतमीजी की पराकाष्ठा आप लोगों को चाइना की नॉर्मली और रेगुलरली देखने को मिलती रहेगी। गालवान वैली में जब मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर जब झड़प देखने को मिली थी, तो इस इंसान के द्वारा जो बदतमीजी काटी गई, तो इसको रिकॉग्नाइज करके इंडिया और चाइना के रिलेशन को और ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में चाइना ने ढकेल दिया है। तो जो इंडिया जो पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा था वो उसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, अब हम लोग यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कटाक्ष भी कसा है यहां पर यूएसए को लेकर कि यूएसए पेंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाया और हम लोग काफी शानदार तरीके से हैंडल यहां पर कर पा रहे हैं। इसलिए ओलंपिक का जो यहां पर अब की बार का जो यहाँ पर ओलंपिक के जो यहाँ पर अब की बार का इनका मोटो रखा गया उसको बोला गया फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। समझ रहे हैं आप लोग, फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर। पर लेकिन यहाँ पर एक और शब्द ऐड कर दिया गया यहाँ पर किसके द्वारा, जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके द्वारा, उसमें बढ़ दिया टुगेदर, यानी कि मिलकर, यानी कि चाइना सोच रहा था अकेला भागेगा, उसके द्वारा बोला गया फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो इंडिया ने यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने यहाँ पर टुगेदर और ऐड कर दिया।
तो अब यहां पर फास्टर हाइयर और स्ट्रॉन्गर टुगेदर, तो ये यहां पर आप लोगों को अभी इसका मोटो देखने को मिलेगा। तो यहां पर कंसर्न यही है कि देखिए गेम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटिक्स जो है वो गेम से दूर रखी जाती है, और इवन अगर कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं है तो कोशिश ये की जाती है कि गेम के थ्रू यहां पर उसके उनको कंट्री के रिलेशन को नॉर्मल किया जाए, पर लेकिन यहां पर तो बिल्कुल अपोजिट ही चल रहा है। गेम है जो है कि और ज्यादा रिलेशन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसे माहौल आप लोगों को हमेशा चाइना की साइड से यहां पर नजर आएंगे। तो ये ऐसी बदतमीजी आप लोग यहां पर देखते हैं। अगर मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों से पूछूं, क्या हमारे द्वारा जो यहां पर पार्टिसिपेट करने से हमारी कंट्री के द्वारा मना किया गया वो सही है या फिर गलत है? पर लेकिन प्लेयर भेज रहे हैं क्योंकि यार देखो पूरी मेहनत रहती है कईयों सालों की, तो प्लेयर को नहीं रोकना चाहिए, और वही कर रही है सारी जो भी कंट्री है वो प्लेयर को नहीं रोक रही है। और यहां पर बेसिकली कोशिश की जा रही है कि यहां पर एक तरीके से खुद एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पार्टिसिपेट न करें, जो यहां पर सेरेमनी होती है स्टार्टिंग और क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये पूरा मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गेम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो यूपीएससी ने अभी गेम से रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे लास्ट वाले पेपर में, तो आगे भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन क्यों बन गए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा ये न्यूज में आ चुका है। ठीक है, इंडिया के द्वारा पहली बार जो पार्टिसिपेट किया गया था ओलंपिक में, ये याद रखिएगा, ये भी ईयर आप लोग याद रखते हैं, विंटर ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट किया गया था 1964 में। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आगे चलेंगे। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों के सामने यहाँ पर कोटेशन है, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो आप लोग ये कोटेशन जो है वहां पर मेंशन कर सकते हैं। बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। आप लोगों ने सुना होगा कि एक सिक्के के दो पहलू, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में बोली गई है, यानी कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप लोग अगर एनवायरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो बान की मून साहब के द्वारा यहां पर ये स्टेटमेंट दी गई थी, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, और हो सकता है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। कमेंट इसके ऊपर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो आप लोग आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे अगर इसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत कुछ सोच के रखोगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी एक बार आप लोगों को बता दूं, बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस कहां पर है, तो यार ये नोटिफिकेशन जो मैंने शेयर किया है यूपीएससी का आप लोगों, इसके अंदर सारा सिलेबस है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, और आप लोगों के लिए बेसिकली ऑब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका भी, तो इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना और सिलेबस इसमें से निकाल लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करानी थी, मैंने सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी है जो कि आप लोगों के पास में होनी चाहिए थी, उस पीडीएफ में क्या क्या है तो उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। जो मंथली पीडीएफ है ना आप लोगों की वो मैंने प्रोवाइड करा दी यहां पर, जैसे कि कंप्लीट जनवरी मंथ नैनो मैगजीन की पूरी आ गई है आप लोगों के सामने, हिंदू के डिस्कशन की भी पूरी पीडीएफ आ गई है, दो वीडियो आती है, तो उसका मंथली कंपाइलेशन मैंने प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो ये आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना यहाँ पर, और इसी के साथ में एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं। डेली एक आर्टिकल पोस्ट करता हूं जो कि आप लोग काफी फायदा पहुंचाएगा आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इंप्रूव करने में, जो कि सीसेट का पेपर होता है, तो एक आर्टिकल एटलीस्ट आप लोग डिस्कशन सुनने के बाद में कम से कम जरूर पढ़ा करो। ठीक है, डेली कोटेशन जो भी यहां पर डालता हूं नंबरिंग के साथ में यहां पर पोस्ट कर रहा हूं, कल को अगर आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है तो इकट्ठी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, तो इनको आप लोग जरूर देखेगा। और अपनी माइंड को स्टेबल करना चाहते हैं, सीसेट के पेपर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सुडोकू जरूर आप लोग भरा कीजिए, इससे आप लोगों का माइंड जो है वो और ज्यादा स्टेबल होगा। और डेली जो वोकैबुलरी देता हूं ये आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, तो इनको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है वो मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ, और यहाँ पर जैसे बोला था कि और भी ज्यादा चीजें आप लोगों को जैसे ही टाइम मिलता है मुझे और ज्यादा चीजें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, इसको आप लोग जरूर पार्ट बनाइए। तो तीन ग्रुप है यहाँ पर, एक आंसर राइटिंग का हो गया, एक आप लोगों के लिए डेटा का हो गया, और तीसरा हो गया जहां पर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा जाती है, अलग अलग सेपरेट इसलिए बना रखे ताकि होच पोच आप लोग न हो जाए और सारी चीजें प्रॉपर वे में देखने को मिले। इसके अलावा कोई ग्रुप मैंने नहीं बना रखा है, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, लिंक सबके नीचे मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर पोमग्रेनेट के बारे में, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं अनार बोलते हैं, तो अनार के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोला जाता है यहाँ पर ये सेमी एरिड कंडीशन में देखने को मिलता है, और इसी के साथ में यहाँ पर हॉट ड्राई समर और कोल्ड विंटर में यहाँ पर आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में गलत है, मतलब एक तरीके सही है? ये अभी इसलिए यहाँ पर न्यूज में था क्योंकि अभी हमारी कंट्री के द्वारा बांग्लादेश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया, याद होगा आर्टिकल मैंने शाम को जो वीडियो आती है 8:30 बजे उसमें डिटेल में पूरा डिस्कस किया था इंडिया और बांग्लादेश के जब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बात की थी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया था ये आर्टिकल। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल होते हैं इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के वो मैं शाम को आप लोग ये कवर करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस या फिर पीआईबी, तो उसको भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर आप लोग चल सकते हैं। परमवीर चक्र के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, पूरे जो भी यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, तो हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है यहाँ पर अगर बात करें तो ये बोला गया परमवीर चक्र। अगर बात करें कीर्ति चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में, तो क्या सही स्टेटमेंट है यहाँ पर? तो आप लोगों को बतानी है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को अच्छे से। इसी के साथ में बात करें वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 जनवरी, 24 जनवरी,
सॉरी 24 अप्रैल, 5 जून या फिर 7 सितंबर। और हाँ, कल आप लोग की वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने इंपॉर्टेंट डे और थीम्स की, जो कि आप लोग का एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर पक्का करा देती है। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको भी आप लोग जरूर देखेगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में या फिर आप लोगों से बात की जाती है बैन के बारे में। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आई तो ये बोला गया कि यार ये जो क्रिप्टो करेंसी है हमारी कंट्री में इसको किस तरीके से यूज करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक आभासी करेंसी है, इसको बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं करता है। अगर कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है कल को चलकर, तो हो सकता है कि उसका पैसा जो है बर्बाद कर जाए, उसकी मेहनत की कमाई जो है वो बर्बाद हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बैन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर बैंक के द्वारा बोला गया कि हम लोग इसको बैन कर देंगे, तो लोग जो है अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको बैन कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री में काफी ह्यूज लेवल पर लोग जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर। इसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से उनको रिटर्न भी मिल रहा है, तो लोग जो है यहाँ पर काफी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो इसके चलते दिक्कत ये देखने को मिली कि लोग जो है कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में पहुंचकर उनके द्वारा बोला गया कि अगर आप लोग संविधान के अंदर जाओगे, बेसिकली पार्ट 3 में जहां पर आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसके अंदर एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 19। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में जब आप लोग जाकर यहां पर बात करेंगे तो काफी इंपोर्टेंट यहां पर आर्टिकल 19 का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये बात करता है एक तरीके से टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट ऑन एनी कोई भी ऑक्यूपेशन जो रहता है, कोई भी ट्रेड रहता है, कोई भी बिजनेस रहता है, तो वो आप लोग लेकर चल सकते हो। यानी कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो जब यहां पर बात करते हैं किसी भी आपको एक अपना व्यापार करना है, कोई ट्रेड करना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर अगर कोई भी किसी भी तरीके की करेंसी को यूज करना चाहता है, ठीक है, किसी को लगता है एटीएम यूज करना है, किसी को लगता है डिजिटल करेंसी यूज करनी है, किसी को लगता है सोना चांदी यूज करनी है, तो जो भी उसको काम करना है अपनी करेंसी को लेकर, तो वो वहां पर काम कर सकता है। आप अगर उसको यूज करने से रोक रहे हो करेंसी, तो आप लोग उसके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो। तो ये बात बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम इसको बैन नहीं कर सकते। तो फिर से मुद्दा निकल कर आया बैन नहीं तो रेगुलेट कर लेते हैं, तो हाँ बोला कि तुम रेगुलेट कर लो इसको। ठीक है, तो रेगुलेशन की बात की गई यहां पर उस टाइम से, और फिर से गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया अब इसको रेगुलेट करेंगे। तो तब से ये लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी खुद की करेंसी लेकर आने वाली है, पर लेकिन अभी यहां पर वो खुद की करेंसी अब तक नहीं आई। पर बजट की स्पीच अगर आप लोगों ने सुनी हो तो उसके अंदर बातें की जा रही है कि 2023 में हम लोग अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यहां पर लेकर आने वाले हैं। पर ये था कि यहां पर जो भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि यहां पर अभी क्या किया गया, 30% टैक्स उसके ऊपर लगा दिया है। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने कम से कम रिकॉग्नाइज कर लिया कि क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज है, क्योंकि टैक्स तो उसी के ऊपर लगाया जाना है जिसको आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अगर आप लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ है, तो टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इनडायरेक्ट वे में रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ टैक्स लगा दिया, तो इसका मतलब ये कि हम मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसी कोई करेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये काफी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इसको, वरना अब तक इसको एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं थे कि क्रिप्टो करेंसी है या फिर नहीं है। टैक्स लगा दिया, टैक्स तो उसी चीज पर लगाएंगे ना जो कि है यहां पर। और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जनता की यहां पर जीत आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जनता यहां पर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनके सर पर काले बादल मंडरा रहे थे और यहां पर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को भी फोर्स होना पड़ा, जो गवर्नमेंट बैन कर रही थी उसको रेगुलेशन के मुद्दे पर यहां पर आना पड़ा। तो ये काफी बड़ी बात है। नॉर्मली अगर पुराने टाइम में आप लोग जाओगे, एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये कि एक तरीके से अगर आप लोगों के पास में गेहूं चावल है, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि दाल और चना आप लोगों के पास में है, तो आप लोग अपने गेहूं चावल को दाल या फिर चने के साथ में बदल सकते हैं। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहता है वो यहां पर बेसिकली कमोडिटी को यूज किया जाता है। फिर आगे चलकर गोल्ड बन गया करेंसी, काफी लंबे समय तक गोल्ड चला। मेटल आ गई, फिर यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, फिर पेपर करेंसी आ गई जो कि नोट आप लोग यूज कर सकते हैं, फिर प्लास्टिक करेंसी आ गई जो कि आप लोग एटीएम वगैरह यूज करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट वगैरह यूज कर करेंसी को यूज करना स्टार्ट कर दिया, और आज की डेट में डिजिटल करेंसी जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, आभासी करेंसी, ये आ गई। यहां तक कि मैक्सिमम चीजें जो थी, जो भी यहां पर स्टेट हुआ करता था वो उसको रेगुलेट कर पाता था कहीं ना कहीं, पर लेकिन यहां पर आकर इसको रेगुलेशन करना जो है वो कंप्लीटली बंद हो चुका है। क्योंकि एक ऐसी करेंसी है जो कि यहां पर इंटरनेट पर माइनिंग की जाती है, यानी कि इंटरनेट पर कोडिंग के थ्रू यहां पर ये करेंसी जो है वो बनाई जाती है। कोई भी यहां पर लगकर इस करेंसी को बना सकता है, पर लेकिन काफी ह्यूज रिक्वायरमेंट रहेगी सिस्टम की इसको बनाने के लिए। और कोई अकेली करेंसी नहीं है, अब तो मार्केट में धड़ल्ले भाव आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी अलग अलग करेंसी यहां पर। ठीक है, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं
कई सारी करेंसी जैसे इथेरियम हो गया, स्टेलर हो गया, ठीक है, बिटकॉइन के बारे में आप लोग जानते हैं यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे जैसे बिटकॉइन हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर लाइटकॉइन आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिपल यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारी करेंसी और भी मार्केट में यहाँ पर आ चुकी है आज के डेट में। तो अगर कोई इनमें बिजनेस करना स्टार्ट करता है और किसी का पैसा कल को डूब जाता है तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा इंसान है यहाँ पर जिसको नॉर्मली बोलते हैं कि एलियन इंसान है, पता नहीं धरती पर कहां से आ गया, ये सारी चीजें जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स करता है। इसके द्वारा बोला गया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, खासकर जो नई गाड़ी आने वाली है टेस्ला की, उसको क्रिप्टोकरेंसी के थ्रू खरीदा जा सकता है। अगले टाइम किसी ने समझाया कि अरे पागल इंसान थोड़ा सुधर जाए, इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है, तो इसने अगले ही दिन बोल दिया क्रिप्टोकरेंसी के थ्रू नहीं खरीदा जाएगा। तो जैसे ही क्रिप्टोकरेंसी इतना आसमान छूने लगी थी, अगले ही दिन क्रिप्टोकरेंसी जो है वो धड़ाम देने से नीचे पड़ा बिटकॉइन का प्राइस। तो माना यह जा रहा है कि जब एक इंसान जो है किसी करेंसी को इतना ऊपर नीचे यहां पर कर सकता है, तो वो करेंसी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी अगर उसको प्रॉपर वे में यानी खुली छूट दे दी जाए मार्केट में लाने के लिए, तो इससे मार्केट जो है वो क्रैश हो सकती है। सेम काम चाइना के द्वारा बोला गया, हम खुद की करेंसी लेकर आएंगे डिजिटल, और यहां पर जो भी क्रिप्टो करेंसी जैसे यहां पर कोई बिटकॉइन जैसी चीजें उनको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो चाइना ने इस मुद्दे पर काम किया। तो आज की डेट में अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाओगे तो अलग अलग करेंसी आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी वगैरह देखने को मिल रही है, पर लेकिन साथ में ही जैसे आप लोग अपनी कंट्री का क्या हो गया रुपी हो गया, ठीक है, यूएसए का क्या हो गया डॉलर हो गया, इसी के साथ में अगर बात करें यूरोपियन यूनियन का क्या हो गया यूरो हो गया, आप लोग बात करेंगे यहां पर किसका, ये हो गया बेसिकली जो यूके है उसका पाउंड हो गया। तो आज की डेट में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर इन करेंसी को तो देखते हैं, चाइना की भी आप लोग रिनमिन भी देखते हो, पर लेकिन हमारी कंट्री की जो रूपी है वो इंटरनेशनल लेवल की करेंसी नहीं है, ठीक है। तो हमारी कंट्री की करेंसी इतनी ताकतवर नहीं है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर हम लोग अपनी खुद की कोई डिजिटल करेंसी लेकर नहीं आएंगे कल को चलकर, तो पता चला चाइना ने लॉन्च कर दी, यूएसए ने लॉन्च कर दी, यूके ने लॉन्च कर दी, और उनकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो आगे चलकर हार्ड क्रिप्टो करेंसी बन गई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनकी क्रिप्टो करेंसी यूज की जा रही है और हमारी कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी यहां पर मुद्दा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर स्टेप उठाना चाहिए और अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जो है एक तरीके से या फिर डिजिटल करेंसी जो है वो लेकर आनी चाहिए। तो इसके चलते भी कई सारी ये बातें बोली जा रही है कि हम लोगों को जो है खुद की करेंसी को यहां पर लेकर आना चाहिए। तो ये कई सारी बातें यहां पर बताई गई, ठीक है। तो इसी के मुद्दे में बात करनी है तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं जिसको आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ओके। अभी बजट आया हमारी कंट्री का 2022-23 का, तो उसके अंदर बोला गया कि टैक्स इसके ऊपर लगाया जाएगा और 30% टैक्स लगाने की बात यहां पर कर दी गई। 30% टैक्स के साथ में यहां पर सरचार्ज और सेस भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अगर एक हद से ज्यादा कोई व्यापार करता है यहां पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में तो 1% एक्स्ट्रा भी यहां पर डिडक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि कोशिश ये की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाए, पर लेकिन रेगुलेशन के साथ में इसके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध भी लगाया जाए, यानी कि खुले आम धड़ल्ले से आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो शब्द यूज किया गया सरचार्ज और सेस, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा, हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर फॉलो करते हैं, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं आप लोगों को। जैसे इनकम टैक्स के बारे में आप लोगों को पता है कि अलग अलग स्लैब होती है कि भाई साहब जैसे कि 2 लाख से ऊपर ये लगेगा, 5 से लगेगा, ठीक है, 10 लाख से ऊपर इतना जाएगा। आप लोगों ने इनकम टैक्स की स्लैब देखी होगी, बजट में मैंने इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था जो बजट का लेक्चर था। तो वो क्या था, वो प्रॉपर डिवाइड किया गया था कि हाँ ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ये स्लैब जो होती है, इस स्लैब में आप लोगों को अमीरों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, गरीबों को कम टैक्स देना पड़ता है। तो यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा कमाई वो उतना ही ज्यादा यहां पर टैक्स देगा। तो ये तो प्रॉपर एक सिस्टम हो गया कि आप लोगों को इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। पर लेकिन जो ये सेस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये वही सेस है जिसके चलते राज्य भी कई बार रोते रहते हैं। अब राज्य क्यों रोते हैं इस सेस को लेकर वो मैं बात करता हूं, पहले आप लोग सेस समझिए होता क्या है। आज की डेट में आप लोग अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर दिया आप लोगों ने 100 रुपए, तो 100 रुपए मान लीजिए आप लोगों ने इनकम टैक्स पे कर दिया, अपनी जो भी इनकम है उस पर क्या करते हैं, मान लीजिए 2% या फिर 3% उन्होंने क्या किया, सेस लगा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टैक्स आप लोग पे कर चुके हैं अपनी इनकम के ऊपर, उस टैक्स के ऊपर यहां पर ये एक्स्ट्रा लगेगा जो आप लोगों का टैक्स, यानी कि अब आप लोगों जब आप पहले 100 रुपए पे कर रहे थे, अभी 100 रुपए पे 3% आप लोगों यहां पर ये सेस पे करना पड़ेगा, तो यहां पर 103 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। तो ये होता है बेसिकली फंडा सेस का, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लग गया, यानी कि इनकम टैक्स पे जो टैक्स पे किया 100 रुपए और उस 100 रुपए के ऊपर लग गया 3 रुपए, तो 103 रुपए आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ गया। तो ये होता है सेस। और सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज क्या रहता है, सरचार्ज रहता है एडिशनल टैक्स जो कि आप लोगों की कोई एक इनकम है, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई इंसान जो है वो यहां पर अगर एक साल के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर यहां पर 5% का सेस लग जाएगा। तो ये रहता है किसी पर्टिकुलर इनकम की थ्रेशोल्ड अगर आप लोग क्रॉस कर जाते हैं, एक तरीके से बेइंतहा पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा सा इधर को भी दे दे भाई तू, तो वाली बात है यहां पर, तो सरचार्ज उसके ऊपर लगाया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस ये कि यहाँ पर जो सेस रहता है वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया जाता है, यानी कि मान लीजिए 3% यहाँ पर लिया और बोला गया कि हम लोग इसको एनवायरमेंट के लिए यूज करेंगे, एनवायरमेंट को सुधारने के लिए या फिर एजुकेशन को सुधारने के लिए या फिर हेल्थ को सुधारने के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए लिया जाएगा, तो जिस भी पर्पज के लिए लिया जाएगा उसी पर्पज के लिए इसको यूज करेंगे, इसको बोलते हैं सेस। पर लेकिन सरचार्ज क्या रहता है वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये बातें मैंने आप लोग क्यों बताई, क्योंकि ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन इनके बारे में बन जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के सामने। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में अगर बात करें जो सेंटर है वो बेसिकली क्या करते हैं, जीएसटी यहाँ पर दोनों राज्य और स्टेट के बीच में शेयर किया जाता है। जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया था 2017 में, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप लोग बोलते हो। तो इसका जीएसटी डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बीच में इसलिए पूछता रहता हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो जीएसटी के बारे में यहां पर बात करें तो जीएसटी जब यहां पर इंप्लीमेंट किया गया तो यहां पर दोनों बेसिकली शेयर करेंगे जीएसटी को, सेंट्रल स्टेट। पर लेकिन जो जीएसटी के अलावा सेंटर क्या करता है, जीएसटी से ज्यादा आज के सेस पे फोकस करता है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर सेंटर को स्टेट के साथ में शेयर नहीं करना पड़ता है। तो यहां पर है पूरा एक तरीके से गोल, ठीक है। तो यहां पर गोल 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 क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर, क्या कि सेस जो है यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में नहीं जाएगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रोती रहती है कि तुम टैक्स लगाते हो और खुद मलाई खा के निकल जाते हो और भाई साहब हमको पीछे छोड़ जाते हो, ये कैसे चलेगा भैया, तो ये सही बात नहीं है। तो इसके चलते यहां पर ये इशू देखने को मिलता है। इसी के साथ में बात की जा रही है जब ट्रेडिंग करेगा कोई प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें, अगर कल को कोई लॉस यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, तो उसको छूट नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर भी है कि कहीं ना कहीं इसको आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पर डिडक्शन जो है ओनली परमिट किया जाएगा अगर यहाँ पर जो टर्म है ना वो आईटी एक्ट के तहत यहाँ पर यूज की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर भी टैक्स यहाँ पर लगाया गया और जहां जहां पर भी जो जो भी परमिशन दी गई यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, वो जस्ट तरीका है कि कम से कम यहाँ पर और कुछ नहीं, इसको रोक नहीं सकते, तो इससे पैसा कमा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल को चलकर कोई बाहर से कोई गिफ्ट देता है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में दुनिया भर का पैसा किसी को देता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। बस ओनली रिलेटिव अगर कोई फैमिली मेंबर किसी को दे रहा है बस उसको छोड़ा जाएगा। यानी कि पता चला कोई यहाँ पर पता चला नहीं कि बाहर से कोई आप लोगों जैसे सचिन तेंदुलकर को फरारी दे दी, आप लोगों कोई फरारी दे रहा है, ठीक है, तो उस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर वो यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स लगेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं एक प्रॉपर वे में, ये तो नहीं बोला गया कि हाँ हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, इसको लेजिटिमेट कर दिया डायरेक्ट वे में, पर हाँ इनडायरेक्ट वे में ये लेजिटिमेट हो चुका है, तो सामने से बोला नहीं गया है, पर फिर भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो करंटली इसको अनरेगुलेट किया जा रहा था, जो छोड़ा जा रहा था ऐसे ही कि हाँ क्या चलेगा चलता रहेगा, वो वाला मुद्दा अभी यहाँ पर दूर हो गया, ठीक है। तो हालांकि कंसल्टेशन अभी चल रहा है कैसे आगे लेकर चलना है इस चीजों को, वो हम लोग समझेंगे, पर इससे मुद्दा यहाँ पर ये रहेगा कि कल को चलकर कोई भी यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करता है तो उसको यहाँ पर चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं रिलीफ बोल सकते हैं, जिनको लग रहा था कि यार बैन कर देंगे, तो बैन वाला जो मुद्दा है वो अब लोग हट चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पैसे कमाने पर अब यहाँ पर इसमें आ चुकी है। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हालांकि आने वाले टाइम में और भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, तो स्टिल नॉट कंसिडरिंग द फुल्ली इसको लिजिट, यानी एक तरीके से फुल्ली लीगलाइज नहीं किया जा रहा है, पर हाँ टैक्स लगा दिया है, तो आने वाले टाइम में आराम से और ज्यादा अच्छे लेवल पर इसके ऊपर काम किया जा सकता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा तो ये बातें भी बोली गई थी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो सही तरीका नहीं है, एक तरीके से कई सारे मिसलीडिंग एड देखने को मिल रहे थे अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कई सारे प्लेयर मुझे लग रहा है सर आयुष्मान खुराना और भी कई सारे प्लेयर जो है वो एड कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करो और अच्छा खासे रिटर्न तुम यहां से पाओ, तो उसके चलते भी कई सारे इशू निकल कर आए। तो मुद्दा यहाँ पर है कि जो इशू निकल कर आते हैं तो उनको कैसे आप लोगों को बेसिकली टैगल करना है। तो अभी जो हो रहा है डिले हो रहा है यहाँ पर वो कई सारे इशू देखने को मिल रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। तो बोला ये जा रहा है कि अगर आप लोग आज के में अपनी खुद की करेंसी नहीं लेकर आओगे, एक क्लियर फ्रेमवर्क अगर गवर्नमेंट लेकर नहीं आएगी, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कोई इंटरनेशनल लेवल की करेंसी आकर हमारे सर पर बैठ जाएगी। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई स्टेप यहाँ पर उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री की जो यंग जनरेशन है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो पैसा कमाना चाहती है दबाकर और फटाफट इसलिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में लगाकर पैसा लगा रहे हैं, भले कल को डूब जाए। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि 30% जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में जाएगा, जो भी आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमा के लाएगा, ठीक है, तो वो वाली बातें यहाँ पर बोलेगी। तो ये कई सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए ये जो है ना यहाँ पर ये ऐसे इश्यूज हैं जिसको यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया कई सारे लोगों के द्वारा कि वैसे तो तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया, ठीक है, क्योंकि लोग जो है प्रॉफिट बनाने के चक्कर में थे यहाँ पर और यहाँ पर प्रॉफिट ही छीन ली। पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसके बारे में, सबसे मुद्दा यह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था, उस टाइम पर भी बोला गया था कि यार देखो आज के में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्रिप्टो करेंसी को कोई ट्रेस तो कर नहीं सकता है कि ये करेंसी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कौन कहां पर सेंड कर रहा है,
तो कल को चलकर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। यानी कि पता चला लोगों ने क्या किया, अपने पैसे निकाल निकाल कर नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी में लगाने स्टार्ट कर दिए, तो कैसे टैकल करोगे, तो दिक्कत बन सकती है। फाइनेंस करना इलीगल एक्टिविटीज को आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये गलत तरीका है, तो इसलिए यहां पर इसको फोकस करना चाहिए। तो सिडनी डायलॉग जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी को टैकल करने के लिए। तो सिडनी डायलॉग जरूर याद रखें यहां पर, उसमें यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आह्वान लगाया गया था। नवंबर के महीने में मैंने डिटेल में डिस्कस था आप लोगों से आर्टिकल भी, अगर रेगुलरली आप लोग कनेक्ट है मेरे साथ में तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई, तो कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएगा जरूर। अच्छा, एक कंट्री के बारे में कम से कम आप लोग बताइए जिसके द्वारा रिसेंटली अभी बोला गया था कि क्रिप्टो करेंसी को वो अपनी कंट्री की एक तरीके से लीगलाइज करेंसी बनाने जा रहा है। ठीक है, तो वो कंट्री काफी ज्यादा क्रिटिसाइज की गई थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, बताइए उसके बारे में। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है बजट के बारे में, और बजट से रिलेटेड यहां पर क्या जनता को फायदा हुआ है, तो इसमें कई सारे लोगों के कई सारे यहां पर अभी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जिसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग भी अपना कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी ऐड कर सकते हैं कि हाँ आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी यहां पर कई सारी बातें की गई, सबसे पहले तो यहां पर हमारे देश में अभी बात की जा रही है गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो यहां पर बोल रही है कि यहां पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी कुछ किया जा रहा है बजट के अंदर, ऐसा कुछ बोला गया। पर राइटर यहां पर ये बोले कि भाई साहब ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों में प्राइवेटाइज को लाया जाए। आप लोगों ने देखा रेलवे को यहां पर हम लोगों ने प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं उसको। ठीक है, बहुत सारे नेशनल जो मोनेटाइजेशन प्लान हम लोग लेकर आए हैं जिससे कि हमारी कंट्री में जो भी चीजें हैं वो प्राइवेट के हाथ में देने की बात की जा रही है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उससे पैसा कमाएगी। अब मुद्दा यहां पर ये निकल कर आ रहा है, अगर देखिए क्या करते हैं, कल को चलकर हम लोग ट्रेन जो है वो ट्रेन प्राइवेटाइज के हाथ में दे दी कि भाई साहब तुम चलाओ हम लोग नहीं चलाएंगे, तो उससे मुद्दा क्या है, ट्रेन जब बनाएगी, पटरियां जब बनाएगी, डब्बे जब बनाएंगे, सारी सड़कें जब बनी ट्रेन की, तो वो कहीं ना कहीं आज के डेट में मेट्रो जैसे बनी आप लोग देखते हैं वो टैक्स पेयर की बनी से बनी, यानी कि हम लोगों ने टैक्स पे करा और उससे यहां पर ये पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसी सिस्टम को दे रही है यहां पर किसके हाथ में, प्राइवेट के हाथ में। अब प्राइवेट के हाथ में से रही है, और यहां पर प्राइवेट क्या करेगा, अब प्राइवेट यहां पर प्रॉफिट के ऊपर काम करेगा, अगर उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो छोड़ के भाग जाएगा, तो प्रॉफिट के चक्कर में वो अब यहां पर फेयर बढ़ाएगा कई सारे, हालांकि सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस भी इंप्रूव करेगा, पर लेकिन किराया जरूर बढ़ेगा। जैसे वो किराया बढ़ेगा, अब वही टैक्स पेयर जिसके पैसों से यहां पर ये पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है उसको आगे से इन सर्विस को एंजॉय करने के लिए और ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो बोला यह गया था कि यहां पर ये सिटीजन के साथ में धोखेबाजी है, पर लेकिन दूसरा पहलू भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट आखिर क्या क्या थामे अपने हाथ में। सारी चीजें गवर्नमेंट थोड़ी ना अपने हिसाब से बेसिकली चला सकती है, गवर्नमेंट का जो काम होता है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एक देखने का, ताकि सिस्टम जो है सही तरीके चलते रहे। तो फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि जो काम कर रहा है उसको ऐसी माहौल प्रोवाइड कराओ ताकि उसका काम जो है वो सही डायरेक्शन में चल सके, तो वो मुद्दा यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल कर आती है, गवर्नमेंट को लिमिटेड रखनी पड़ती है चीजें ताकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना रहे और उसमें इन्वेस्टमेंट आ सके, पर लेकिन जनता के बारे में भी सोचना पड़ेगा, खासकर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये ऐसे सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा अच्छे लेवल पर आकर, तो वो बातें की जाती है। तो प्राइवेटाइज के बारे में जब भी यहां पर बातें निकल कर आ रही है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि आप लोग यहां पर याद रखें, कोई क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछ ले तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा। ठीक है, अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, कुछ और बातें मैं आप लोग यहां पर बताता हूं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की जा रही है, बात बार कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। तो बोला यह जा रहा है कि हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की नीति फॉलो करके चल रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर तो बोल रहे हैं, हमारे देश में आत्मनिर्भर हम लोग काम करेंगे, पर लेकिन रियलिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने आना चाहते हैं तो आप लोग को याद होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप रिक कैप के बारे में आप लोगों से बात की थी कि 15 नहीं 16 कंट्री का ग्रुप था, पर लेकिन इंडिया बाहर निकल गया, अब ये 15 कंट्री का ग्रुप रह गया। तो यहां पर ये था कि ऑस्ट्रेलिया या फिर और न्यूजीलैंड हो गया, बहुत सारी कंट्री ऐसे जहां पर जो डेयरी प्रोडक्ट है वो काफी सस्ते बेचे जाते हैं, अगर हमारी मार्केट में आकर कल को ये डेयरी प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है हमारी मार्केट में बेसिकली काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाले हैं, हमारे किसानों के प्रोडक्ट जो है कोई नहीं खरीदेगा, तो उसके चलते कई सारे इशू देखने को मिल रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे बन रहे थे जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके चलते हम लोग बाहर निकल गए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की नीति फॉलो कर रहे हैं, ये सही नहीं है, तो ये बोला गया। और दूसरा मैंने अभी आप लोगों को बताया गया पूरा डिजिटल करेंसी के बारे में कि अगर हम लोग अपनी करेंसी लेकर नहीं आए, कल को चलकर चाइना की करेंसी आ गई तो वो डोमिनेट करने लगी, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें यहां पर देखिए, कोई भी अगर आर्टिकल हुआ करे ना उसको आप लोग हर एक एंगल से देखोगे ना तो फिर आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, अगर आप लोग उसमें एंगल ही नहीं देखोगे, आप लोग उसको इग्नोर करते रहोगे तो फिर उसका कोई मजा नहीं है। तो हर एक एंगल से आर्टिकल को समझो तो आप लोग उसको कनेक्ट भी कर पाओगे और उससे चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आप लोग लेकर भी चल पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोग कोशिश करता हूं कि आर्टिकल को हर एक लेवल पर आप लोग को समझाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और आर्टिकल है यहां पर, हालांकि ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। अभी क्या कर रहे हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर वाले एरिया में जब आप लोग जाएंगे
तो यहां पर देखने को मिलेगा चाइना जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उसी डेवलपमेंट के साथ में हमारी कंट्री के द्वारा भी हालांकि डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया। बजट के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा बॉर्डर एरिया में हम लोगों ने अभी जो विलेज हैं उनको ढंग से डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाया, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बजट वाली वीडियो में पढ़ाया भी था चिल्ला चिल्ला कर। मैंने कहा इसको जरूर याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और मुझे लगता है बन भी सकता है क्योंकि जितने इशू इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिल रहे हैं तो क्वेश्चन बन भी सकता है। प्रीलिम्स से भी आप लोगों से स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोग्राम का नाम बताइए, देखता हूँ किस किस ने वीडियो सुनी है, हालांकि काफी लोगों ने सुन लिया पर लेकिन फिर भी देखता हूँ रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। अगर हमारी कंट्री बॉर्डर एरिया में कुछ डेवलपमेंट हम लोगों को कर रहे हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टेटिक पोर्शन है, देखिए करंट और स्टेटिक साथ में कवर करके चलता हूं ताकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में आती रहे। तो अभी यहां पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए हमारी कंट्री में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ओनली इंडिया में नहीं यहां पर अफगानिस्तान भूटान म्यांमार श्रीलंका में भी काम करती नजर आती है। और 7 मई 1960 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। याद रखना आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, एक टाइम ऐसा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से फंड रिसीव करती थी पर लेकिन अब कंप्लीटली डिफेंस के अंडर आती है। तो यहां पर इसका पर्पज ये है कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, तो इसके द्वारा बोला जाता है कि श्रम के थ्रू आप लोग सब कुछ यहां पर अचीव कर सकते हैं। कौन है इसके डायरेक्टर जनरल ये आप लोगों को बताना है। तो काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर कंफ्यूजन में डाला जा सकता है आप लोगों को, डाला भी गया है पास्ट में कि ये हमारी कंट्री में ही काम करती है, नहीं अफगानिस्तान भूटान म्यांमार श्रीलंका में भी इसके द्वारा काम किया गया है। और जब बॉर्डर के बारे में बात करते हैं तो आप लोग एक बात और याद रखिएगा, हमारी कंट्री और चाइना के बॉर्डर पर जब आप लोग जाएंगे तो ITBP काम करती नजर आती है जिसको बोलते हैं इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर BSF काम करती है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल काम करती है, इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल काम करती है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर आसाम राइफल काम करती है। अभी क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था और यहां पर इंटरनेशनल मतलब हमारी कंट्री में नेशनल लेवल पर एक इशू बन रहा है कि अलग अलग फोर्स क्यों है यहां पर बॉर्डर को मैनेज करने के लिए। सारे बॉर्डर को मैनेज करने के लिए एक ही फोर्स होनी चाहिए जो कि बॉर्डर को मैनेज करे ताकि कल को चलकर यहां पर उनके बीच में अगर कोई हम लोग को इतने जो बैलेंस बनाना है तो वो बैलेंस भी हम लोग बना सके। तो इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। इंडिया और चाइना का जब इशू देखते हैं तो ये मैप आप लोग जरूर माइंड में रखिएगा। बात की जाती है इस मैप के बारे में तो काफी ज्यादा झड़प आप लोगों को देखने को मिलती है। एक्साई वाला चीन यहां पर आज के में चाइना के कंट्रोल में है, ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया, ये सेंट्रल हो गया और यहां पर ये है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। तो सबसे बड़ा है वेस्टर्न सेक्टर जो कि लगभग 1570 किलोमीटर है, फिर यहां पर ईस्टर्न सेक्टर 1325 किलोमीटर है और फिर सेंट्रल सेक्टर। अभी यहां पर ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी जो कि स्टडी पोर्शन है। आर्टिकल में कई सारी डिफरेंट चीजें डिस्कस की जा रही है, एग्जाम में तो खैर आप लोग उनको यूज नहीं कर सकते पर थोड़ा सा बता देता हूं। जब 1962 की वार हुई थी यहां पर तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है जिसको एक्साई चीन आप लोग बोल रहे हैं उस टाइम पर हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे। तो बोला यह जा रहा है कि लगभग 190 जवान जो थे जब शहीद हुए थे वो इस एरिया में उनकी बॉडी जो थी वो यहां पर थी, ठीक है, यानी कि उनकी जान चली गई और यहां पर बॉडी जो है इस एरिया में रही। तो जब हमने बोला कि हमको अपनी बॉडी रिटर्न चाहिए तो क्या यहां पर चाइना ने वो बॉडी जो है जो भी बॉडी थी उनको रिटर्न करने से मना कर दिया और बोला कि हम लोगों ने उनका क्रिमिनेशन कर दिया। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल जो इंडिया रेड क्रॉस जो है उसके थ्रू हम लोगों ने काम किया कि यार कम से कम हम लोग को हमारे जो शहीद है उनकी अस्थियां तो मिल जाए। तो उसके चलते भी चाइना ने यहां पर बेसिकली जैसे तैसे करके यहां पर अस्थियां जो भेजी पर लेकिन इतना बुरी तरीके से रिएक्ट करना यहां पर तो ये काफी बड़ा एरिया हो गया क्योंकि हमारा ही एरिया हमसे हत्या गया और हमारे ही कंट्री के जो जवान शहीद हुए उनकी बॉडी तक रिटर्न करने से मना कर दिया। तो कुछ सबको किसी को जला दिया गया, बेसिकली दफनाया नहीं गया सबको एक तरीके से, जिसको दफनाना था दफनाना था जिसको जलाना था जलाना था पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, उसने अपने हिसाब से सारा काम जो है क्रियाक्रम वो निपटा दिया। तो काफी सारी क्रिटिसाइज चाइना को यहां पर किया गया था। तो इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ आप लोगों को देखने को मिला यहां पर जो डोकलाम वाले सेक्टर में, तो आप लोग समझ सकते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो लोवेस्ट लेवल पर है पर लेकिन व्यापार सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिलेगा 125 बिलियन जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। चाहे COVID-19 के चलते काफी कुछ हम लोगों ने यहां पर सामान खरीदा तो उसकी वजह से यहां पर ये चीजें निकल कर आई, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। बाकी एक आर्टिकल यहां पर किसके बारे में, ये है हांगकांग के बारे में। हांगकांग के बारे में यहां पर आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, बेसिकली हांगकांग के अंदर प्रेस को जो है बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। तो इसके चलते यहां पर ये आर्टिकल निकल कर आ रहा है। तो पर्ल जो रिवर है यहां पर इसकी स्टोरी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जो कि बेसिकली जिस पर हांगकांग आप लोगों को नजर आता है। अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो हांगकांग की लोकेशन है आप लोगों के सामने। यहां पर हांगकांग एक टाइम पर ब्रिटेन के अंदर हुआ करता था पर 1997 में क्या किया, हांगकांग को चाइना को दे दिया गया। पर लेकिन चाइना को देते हुए एक बात बोलेगी कि देख यार चाइना तेरे अंदर यहां पर बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं है, तुम यहां पर ताकत बनाकर अपनी पूरी जो चीजों को कंट्रोल रखते हो पर लेकिन हांगकांग में प्रॉपर डेमोक्रेसी है तो उसके हिसाब से काम चलने देना, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। तो चाइना को ये बातें बोलेगी तो पर चाइना अब चाहता है कि हांगकांग को कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए यहां पर चाइना ने क्या किया, उसको सप्रेस करने के लिए कॉन्ट्रोवर्सियल एक्सट्रेडिशन बिल लाया, यानी कल को चलकर कोई भी गलत बात अगर हांगकांग में होती है कोई चाइना के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो चाइना में लाकर उसको सजा दी जाएगी। लोग भड़क गए ऐसा कैसे होगा,
तो कई सारे इश्यू निकल कर आए। हांगकांग जज के लिए आप लोग यहाँ पर वोटर रिजोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो वोटर रिवोल्यूशन लाया गया, कई सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी मीडिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, पर लेकिन इसका आर्टिकल अपनी जगह, जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ये है यहाँ पर कश्मीर प्लेस प्रेस क्लब के बारे में। तो ये आर्टिकल आप लोग सुनिएगा, ये आर्टिकल काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और देखिए ये आर्टिकल वैसे ही मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था वैसे अगर बात करें तो, पर फिर भी आप लोगों का रिविजन हो जाएगा अगर आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इस आर्टिकल को सुनेगा, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को यहाँ पर जानने को मिलेगी इसके बारे में, ओके। अभी यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, खासकर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की जा रही है। और मैंने आप लोग कई बार बताया आर्टिकल 19 के अंदर जाएंगे तो 1 के अंदर ए के अंदर आप लोगों को प्रेस के बारे में बात की जाती है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में आप लोगों से बातें यहाँ पर करने वाला हूँ। आखिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा यार कहां से आ गया, न्यूज में आ नहीं रहा कि नहीं आ रहा है, एकदम न्यूज में कहां से आ गया, कुछ ना कुछ तो ऐसा घटा होगा देश के अंदर। जी हाँ बिल्कुल घटा है। अभी यहाँ पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से। इसके द्वारा यहाँ पर अभी अपनी एक तरीके से नहीं एक आशंका या फिर आप लोग दुख या फिर खेद जताया गया है कि कश्मीर प्रेस क्लब जो है वो बंद कर दिया गया है। तो कश्मीर प्रेस क्लब अगर बंद कर दिया गया तो प्रेस की जो फ्रीडम है यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर और बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि जब से यहाँ पर 2019 से आर्टिकल 370 और इसी के साथ में 35A में चेंज किया गया, तब से कई सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर प्रेस को ढंग से काम नहीं करने दिया जाए, कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी। तो अभी यहाँ पर इसी के चलते कश्मीर प्रेस क्लब का बंद होना तो ये उसी डायरेक्शन में एक और चिंताजनक विषय यहाँ पर बन गया है। तो एडिटर गिल्ड जो है ये फॉर्म किया गया था 1978 में, भाई साहब दो काम करता है, पहला तो काम करता है कि प्रोटेक्ट करे फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो प्रेस है एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, वो यहाँ पर लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। देखिए प्रेस ना सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा पता क्या होता है प्रेस का, अगर आप लोग बात करें एक साइड में होगी जनता, एक साइड में होगी यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक हो जाता है प्रेस, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो जनता तक पहुंचाए, या अच्छा हो चाहे बुरा हो वो जनता तक पहुंचाने का काम करती है प्रेस। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है और ये कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल कवर भी किया गया था। तो पहला तो ये है कि प्रोटेक्ट करना एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो यहाँ पर काम करती है एडिटर गिल्ड। और दूसरा एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, आप लोगों ने नॉर्मली एडिटोरियल देखे होंगे सब ये कहते हैं सारे जो भी यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं कि कुछ पढ़ो या ना पढ़ो एडिटोरियल जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो एडिटोरियल पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ऐसी पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा जाता है जो कि सोसाइटी के साथ में काफी डीपली कनेक्टेड है और इसी के साथ में वो एक लेवल पर पहुंच चुका है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जो कि आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में या फिर आप लोगों को इंटरव्यू में काम आते हैं वो सारे एक्सपीरियंस, इसलिए बोलते हैं कि एडिटोरियल जरूर पढ़ा करो चाहे पूरा न्यूज़पेपर छोड़ दो। तो यहाँ पर ये जरूरी हो गया कि न्यूज़पेपर जो मैगजीन्स है जब उसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो एडिटर अपने आर्टिकल लिखते हैं तो उसको स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना चाहिए, तो एडिटर गिल्ड जो है यहाँ पर उसके ऊपर भी काम करती है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर ये एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के हिसाब से यहाँ पर बनाई गई थी। एम ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंटेन रहनी चाहिए और इम्प्रूव होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कई बार कि अपनी लाइफ का एक स्टैंडर्ड बना के रखिए, ठीक है। अपने आपको कम से कम मिनिमम अगर आप लोगों को 6 से 8 घंटे देने ना, तो 6 से 8 घंटे दो यार उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक दिन 6 से 8 घंटे दे रहे हैं और अगले दिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यूअसली कम से कम इतना तो करना ही करना है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, तो सारी बातें देखने को मिलेगी। फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में जब आप लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया की बात की जाती है, यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा अगर मीडिया कोई न्यूज प्रस्तुत कर रही है तो वहां पर आप लोगों को प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं कि जैसा कुछ हुआ वैसा का वैसा बता दिया, ठीक है। उसमें नमक मिर्च मसाला नहीं लगाया जाता है। आज के 2-4 टेलीविजन चैनल को अगर छोड़ दो, वो एक अलग लेवल का ड्रामा सास बहू वाला दिखाते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उससे हटकर अगर आप लोग बात करोगे, ठीक है। तो स्मूथ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की वो उनका व्यू पॉइंट जो भी रहता है, डिबेट, नॉलेज जो होती है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो होती है, वो सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो फ्री प्रेस जो है वो एक तरीके से इन्फॉर्म करती है सिटीजन को उनके लीडर की सक्सेस या फिर फेलियर के बारे में, कि तुम्हारे द्वारा चुने गए नेता जो है वो क्या गुल खिला रहे हैं। सॉरी यार हिचकी आ जाती है कई बार, इसमें लंबी सांस जाती है ना कई बार, उसकी वजह से भी लगता है। और बाकी आप प्यार इतना करते हो, इतना याद करते हो ना, मतलब बार बार हिचकी आती रहती है मुझे, इतना याद मत किया करो, लेक्चर बना दिया करो ना उसके बाद याद किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन फेल हो रहा है, कौन सक्सेस हो रहा है, तो उसके बारे में बताते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में जो लोग है ना यहाँ पर उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, उनकी नीड क्या है, डिजायर क्या है, ठीक है। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट तक भी चीजें पहुंचाते हैं, भाई साहब गवर्नमेंट वालों देख लो जनता ही चाहती है, तो ये भी काम यहाँ पर करते हैं। डिस्कशन आइडिया जो रहते हैं इंडिविजुअल के, पार्टिसिपेट कराते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, मुद्दे लोगों के सामने रखकर आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है वो अपने इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे, खासकर जब इलेक्शन आते हैं तब तो और भी ज्यादा माहौल गर्मा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रेस के थ्रू यहाँ पर एक कनेक्टिविटी होती है। और फिर आप लोगों को पता है कई सारे ऐसे इंटरव्यू आते हैं, जैसे अक्षय कुमार साहब जी के द्वारा लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर साहब का,
कि आम कैसे खाना है, ठीक है। ऐसे कई सारे इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी इंटरटेनिंग चीजें होती हैं बेसिकली। एक तरीके से एक साइड में बहुत उल्टी सीधी चीजें चल रही है, थोड़ा सा माहौल नरमा लेते हैं, तो ऐसे भी बन जाते हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों ने उसकी मजाक बहुत ज्यादा उड़ा दी थी, गलत बात है, ठीक है। इंजॉय किया करो चीजों को, ओके। आगे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो बात की जा रही है मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, तो ये जरूरी हो जाता है। अब वो गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अकाउंटेबल होनी चाहिए। वैसा बोर्ड दिए फ्री में नहीं है, ठीक है, वहां बैठे हो जाकर हमारी मेहनत की कमाई पर खा रहे वहां पर जाकर, ठीक है। इसी के साथ में एक ऐसा सेक्शन होता है सोसाइटी का जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, खासकर उसको कौन देखती है, उसको एनजीओ देखती है नॉर्मली, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में बात की जाए कि भाई साहब इनको भी तो खाना पीना मिलना चाहिए, तो उनका उनकी बात जो है वो जनता के सामने रखता है, और जनता जो है फिर यहाँ पर प्रेशर बनाती है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्री मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पहला हो गया लेजिस्लेटिव, फिर हो गया एग्जीक्यूटिव, और फिर हो गया जुडिशरी। तो चौथा पिलर होता है यहाँ पर, ये बेसिकली मीडिया जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये जरूरी है, तो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इसको इसीलिए बोला जाता है ताकि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में चलने लगे। तो ये याद रखिएगा, चार वॉच डॉग कौन से हैं यहाँ पर हमारे संविधान के, ये आप लोग बताइए। चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर रखा है मैंने पॉलिटिक के अंदर, अगर आप लोग सर्च करोगे जाकर, ठीक है। बताइए चला, थ्रेट क्या यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस को, एक तो फेक न्यूज, एक न्यूज प्रॉपर मार्केट में आएगी उसकी फेक न्यूज इतनी ज्यादा आज के दिन मार्केट में चल जाती है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है आप लोगों की, ठीक है, जिसमें अलग अलग कोर्स निकल कर आते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है यहाँ पर फेक न्यूज की। पेड न्यूज बहुत ज्यादा चलती है किसी के बारे में, उसकी इमेज खराब करने के लिए, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सामने वाले की इमेज खराब करने के लिए कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट फेक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। और जब जो मीडिया जो है ना वो एक तरीके से एक बायस मीडिया हो जाती है कि पता चला एक पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ के बैठ गई एक पर्टिकुलर मीडिया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ के बैठ गई वो, तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे जैसे यहाँ पर नहीं उनका बच्चा बैठा हो सामने कोई, अच्छा ऐसा बताओ कि आम कैसे खा लिया, मतलब गलत तरीके से मत लेना, ये तो अक्षर कुमार का हो गया। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी से कोई क्रिटिकल अगर क्वेश्चन पूछ ले आज के में तो वो रेयरली देखने को मिलेगा, चाहे वो आप लोग बात करो आम आदमी पार्टी से, चाहे आप लोग बात करो यहाँ पर बीजेपी पार्टी से, चाहे कांग्रेस की पार्टी से। तो ये उन्हीं के पास में अपना इंटरव्यू देने जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि उनसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्मली जहां पर लगता है कि ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर लोग जाना भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे इशू आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है कि जनता के नुमाइंदे जनता में जाकर उनकी बातें रखी जाए और सबको पता भी चले। अभी यहां पर जर्नलिस्ट पर अटैक हो जाता है अगर कोई जर्नलिस्ट कुछ ज्यादा तानबीन कर देता है। नहीं, अभी कई सारे राज्य में देखने को मिला कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा आ रहे थे, जर्नलिस्ट ने बोलते तुम गलत बता रहे हो, उठा उठाकर उनको जेल में डाल दिया, कई सारे साउथ इंडिया के राज्य, ठीक है, कईयों को मार दिया जाता है। तो जर्नलिस्ट जो है उनको अपनी जिंदगी जो है वो दांव पर लगाकर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन लानी पड़ती है, ठीक है। हेट स्पीच काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर दिखाई जाती है, इसीलिए हमारे देश की फ्रीडम अगर बात करें अभी यहाँ पर फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 में, तो हमारी कंट्री फ्रीडम हाउस अगर बात करें उसमें हमारी जो रैंक थी वो काफी कम देखने को मिली, जो कि फ्रीडम हाउस यूएसए के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। हालांकि यूएसए जो हमको हमेशा गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करता है वो एक अलग बात है। 2020 में जो हाउस राइट रिपोर्ट के बारे में बात करें ये भी यूएसए के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसी के साथ में ऑथराइजेशन गोज वायरल, यहाँ पर ये वी जो डैम है इसके द्वारा यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्वीडन के इसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर कई सारी हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी के बारे में नेगेटिव बातें इनके द्वारा बताई गई, ठीक है। ठीक है, तो फालतू की बातें करते हैं पर, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी देखने को मिली जाएगी, ठीक है। आगे बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो यहाँ पर अगर बात करें हमारी कंट्री में रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का केस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो पता चला कि भाई साहब क्या हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की जाती है, तो बोला हाँ डायरेक्ट तो कहीं लिखा नहीं है पर फिर कहां से निकाल के लेके आए, तो आर्टिकल 19 में जाकर घुसाओ और गोता मार के आओ तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख जाएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की गई है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आप लोगों को आंखें खोल कर, नहीं कहते पुराने टाइम में बोला करते थे दादी नानी की दिद्दे खोल कर देख ले, यहाँ कुछ ना कुछ रख रखा होगा सामान, ठीक है। तो वही वाली बात है कि दिद्दे खोल कर देख लो, यहाँ पर कंपनी आगे खोल कर देख लो कि किसी न किसी आर्टिकल में कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर मिल जाएगा, ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। तो इसको आप लोग जाकर देखो तो उसके अंदर दिख जाएगा आप लोगों को प्रेस वहां पर रखी हुई है, वो कपड़ों पर करने वाली प्रेस नहीं, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की जा रही है। तो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट का ए में आप लोग जाएंगे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात निकाल कर लेकर आए, पर डायरेक्टली संविधान में मेंशन नहीं कर रखा है, ये यहां पर लिख भी दिया गया है। अब आप लोग बोलोगे वाह क्या बात है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की जा रही है, फिर तो मजे आ गए। नहीं भाई इतने मजे भी नहीं है तुम्हारे, क्यों, क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन है यहां पर आर्टिकल 19 का दोवा, वो बोलता है कि भाई साहब अपने ना एक तरीके से दायरे से बाहर नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, और वो लक्ष्मण रेखा क्या है, देश की सोवरेनिटी संप्रभुता और इंटीग्रिटी एकता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा वरना उसकी उंगली काट कर ना कुछ कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिस देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन, जैसे हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, तो हमारे रिलेशन खराब करने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब यहाँ तो वैसे ही खराब हो रखे हैं, मतलब जहाँ अच्छे हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश के साथ में अच्छे हैं, ठीक है, तो वहां पर खराब ना करें, ओके।
इसी के साथ में पब्लिक कोड और डिसेंसी और मोरलिटी में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, अगर कोर्ट ने बोला कि आ जाओ और तुम नहीं आए तो फैज साहब कोर्ट जो है फिर पता नहीं क्या क्या करेगा। डिफेमेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, किसी इंसान की बेइज्जती कर अपना अपनी रोटी सेकना वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में किसी भी ऑफेंस को नया बढ़ावा लेना, पता चला लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हो तो सारी हरकतें कोई कर रहा है तो आप लोग का जो प्रेस है ना वो गर्म कर क्या किया जाएगा, आप लोग के सर पर रख दिया जाएगा जो भी यहाँ पर ऐसी हरकतें करेगा। तो ये आर्टिकल 19 का 2 बोलता है, ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में बात करें। इंटरनेशनल जो यहाँ पर इनिशिएटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बेसिकली पेरिस बेस्ड एक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, सुना क्या कई बार तो मैंने बता दिया ऐसी बातें कर रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडेक्स को अगर आप लोग इवेल्युएट करोगे तो यहाँ पर कई सारी कंट्री के बारे में बताया जाता है। तो हमारी जो रैंक यहाँ पर 142 180 में से समझ सकते हो आप लोग कहाँ पर हैं। 2021 की बता रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी 22 की आएगी तो आगे बढ़ने दो, थोड़ा जनवरी तो भैया आगे चलते हैं। प्रीलिम्स फोकस वाले एरिया में अगर आप लोग जाएंगे तो मैंने एक तो मुद्दा आप लोग से डिस्कस कर ही लिया स्टार्टिंग में, जो मैंने आप लोग से बात की वही यहाँ पर एक आर्टिकल था जो कि यहाँ पर ओलंपिक के बारे में बात करता। अब हरियाणा में जॉब कोटे के बारे में तो अभी रोक दिया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के अंदर अभी बोला गया था कि 15 जनवरी से 2022 से इंप्लीमेंट किया जाएगा कि 75% लोग जो हैं वो सारे यहाँ पर जो कि हरियाणा के अंदर ही जो लोग हैं उनको जॉब दी जाएगी अगर यहाँ पर 10 या फिर 10 से ज्यादा लोगों को जॉब देने वाली कंपनी है। कोई कंपनी ऐसी है जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो सारे लोग जो रहेंगे वो हरियाणा के रहेंगे 75% उसमें, अगर यहाँ पर बात करें अगर 30,000 से जो कि लेस देन सैलरी उनको दी जाती है तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली तो बोला गया इसके चलते काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर इसको बोला गया कि ये 10 साल के लिए कम से कम एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कोई कंपनी काम कर रही है उसके लिए तो सदमा लग गया क्योंकि दिक्कत देखने को मिली। बोला गया क्यों किया गया, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि हाँ लोकल लेवल पर जो यहाँ पर प्रोवाइड कराना है इंप्लॉयमेंट, ठीक है, इकोनॉमी में काफी एक तरह सुस्ती आ रखी है उसको आगे लेकर चलना है, पर लेकिन यहाँ पर जॉबलेसनेस देखने को मिल रही है हरियाणा के अंदर तो बोला जाएगा कि जॉब को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसके चलते यहाँ पर इंक्रीज करेंगे इनकम और टैलेंट। तो ये बोला गया यहाँ पर ये एक तरीके से देखते हैं टैलेंट रुकता है पर लेकिन रुक नहीं रह पाया इस तरीके से। और एक तरीके से यहाँ पर प्री कंडीशन बना दी लैंड एक्वाइजेशन के लिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कोई विलेजर्स है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर उसको भी फायदा यहाँ पर मिलना चाहिए अगर कहीं से कोई लैंड एक्वायर कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या हुआ, कई सारी कंपनी जो है यहाँ पर वो अपना बाहर निकलना स्टार्ट हो गई, ठीक है, इसके चलते इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और टैलेंट क्रंच पड़ गया क्योंकि बाहर का इंसान अगर कोई टैलेंटेड है वो काम करने आना चाहता था तो वो काम करने आ ही नहीं पाया। तो मुद्दा क्या हो गया, मुद्दा ये हो गया कि भाई साहब ये तो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है कि बर्थ के नाम पर आप लोग बेसिकली डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पर आर्टिकल 15 का यहाँ पर हनन देखने को मिलेगा सेम तरीके से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 16 इंप्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करता है और फ्रीली कहीं भी मूव सकते हैं आप लोग अपना काम करने के लिए, उसमें भी यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है तो ये गलत बात है। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी आप लोग ही क्या रहे, हरियाणा सही कर रहा है, हरियाणा कई सारे सही कर रहे हैं तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आया गया था जिसको बेसिकली यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर क्या करें कि जो नीट की परीक्षा है वो लोकल एरिया पर प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज कराया जाए और सेंट्रल लेवल पर जो परीक्षा है उसको यहाँ पर अलग रखा जाए, पर लेकिन यहाँ पर ये जो बिल है ये वहां पर क्या किया जो कि यहाँ पर गवर्नर है उनके द्वारा रिटर्न कर दिया गया असेंबली को। अब यहाँ पर फिर से अगर ये बिल आता है तो ये पास हो जाएगा, तो ये मुद्दा पूरा मैंने कल ही आप लोगों को समझाया। तो गवर्नर वाला जो चैप्टर है उसको जाकर रिवाइज कर लीजिएगा और कल ही डिस्कस किया तो फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देख कई बार ना ट्रस्ट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, चाहे आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में बात करें। अभी यहां पर क्या किया, एक मैन ने अपनी वाइफ को मार दिया, उसको लग रहा था कि उसकी वाइफ का जो है कहीं और एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिलेशनशिप में आज के डेट में अगर आप लोग बात करें तो। इसको काफी बड़ा इस तरीके से देखा जाता है कि अगर मान लीजिए आज के डेट में हस्बैंड कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, ठीक है, तो सही है, पर लेकिन वाइफ चला रहे तो गलत है। देखिए अगर ट्रस्ट है तो फिर दोनों को साथ में ढंग से रहना चाहिए, पर लेकिन अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है तो फिर यहाँ पर इशू ये निकल के आता है कि उसके चलते आगे आने वाली जिंदगी में जो है वो दिक्कत में पड़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है और ट्रस्ट का इशू जो रहता है, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दो चीज ऐसे लगते हैं मुझे हमेशा जो रिलेशनशिप को मेंटेन रखती है। अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर नहीं कहते कि कुछ टाइम के मजे के लिए अगर आप लोग इस ट्रस्ट को तोड़ते हो तो फिर आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है नॉर्मली अगर बात की जाए तो उसमें। तो यहाँ पर ये काफी एक बड़ी बात है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोसाइटी में काफी ज्यादा आप लोगों के इशू नजर आते हैं। तो हमेशा कोशिश करो इसके साथ में भी आप लोगों को ट्रस्ट और यहाँ पर रेस्पेक्ट बनाकर रखो, ठीक है। मैरिटल रेप के बारे में मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था तो कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देखेगा। मैरिटल रेप के बारे में क्वेश्चन ये बताना है कि इंडियन पिनल कोड का कौन सा सेक्शन है जिसको लेकर अभी यहां पर बवाल मच रहा है कि मैरिटल रेप को उसको अलाउ करना चाहिए मैरिटल रेप, तो बताइए इसके बारे में।
आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क दूंगा मैं यहाँ पर भीमसेन जोशी जी के बारे में जाकर पढ़ना है। तो ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, अभी 100 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बताया जाए, तो आप लोग जाकर एक बार इनके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है यहाँ पर केरला का, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है, तो बोला गया इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो भी काम है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऑलरेडी अप्रूवल पहले से ही मिल चुका है। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है केरला के फाइनेंस मिनिस्टर के एन जो है, जिनका नाम है यहाँ पर के एन बाल गोपाल। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्या है, ये बेसिकली आप लोग केरला के अंदर कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा, खासकर वेस्टर्न घाट में एरिया को। तो बोला ये जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा फायदेमंद है, लगभग 532 किलोमीटर लंबा 11 डिस्ट्रिक्ट में होता हुआ, और लगभग 200 किलोमीटर यहाँ पर आप लोगों को 200 किलोमीटर पर आर के हिसाब से ये काम चलेगा, और 56,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। पर लेकिन बोला ये है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है ये प्रोजेक्ट, उसके चलते काफी सारे इश्यू निकल कर आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या करना चाहिए, यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि रिस्टोर करने की बात की जा रही है पेंशन को। तो पेंशन जो है काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इशू और जगह उठता हुआ नजर आए, क्योंकि पेंशन को हटाने की बात की गई थी पिछले कुछ समय से, पेंशन गायब की जा रही थी, तो उसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा आगे आ रहा है निकलकर, ठीक है। यूपी में बोला जा रहा है कि किसानों को सबक सिखाना चाहिए, बेसिकली वो सब मुद्दे हैं, तो इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर ओवरवर्क हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखिए होता क्या है, अगर कहीं से कोई फ्लाइट आ रही है तो वो प्रॉपर वहां पर काम होना चाहिए, पर लेकिन अगर ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेगी तो फिर दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरवर्क हो गया, इनके वर्क ज्यादा हो गया और अंडर स्टाफ हो गया, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपर वे में चीजें चलनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर एक इंसान को जितना काम करता है वो उतना ही दिया जाएगा तो सही रहेगी, वरना अगर यहाँ पर कंडीशन फिर क्या निकल के आएगी, कंडीशन निकल के कई सारी फ्लाइट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ना दिक्कत में आ रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा टैकल करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई सिस्टम अगर कोई काम कर रहा है तो उसको उतना ही काम दो जितना वो झेल पाता है, अगर उससे ज्यादा यहाँ पर काम निकल के आता है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बात की जा रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर यहाँ पर आता है, इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप है वो उसको अलग दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले मैप को भी सेपरेट दिखाया जा रहा है WHO के द्वारा यहाँ पर, तो ये गलत बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैप जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया से बचने के चक्कर में ये ऐसी हरकतें कई बार करते हुए नजर आते हैं। गेट का एग्जाम देने वाले कोर्ट में पहुंचे पर लेकिन उसको पोस्टपोन करने से मना कर दिया, और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की जो बात की जा रही थी यूपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आ गए तो उसमें कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी इशू देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर चंद्रयान 3 को बात की जा रही है लॉन्च करने की अगस्त के महीने में, तो ये ऑल द बेस्ट, अच्छे से लॉन्च हो यार, मजा आ जाए, ढंग से एक लॉन्च हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था उसके बारे में याद रखिएगा, वो आधा सक्सेस हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटर तो बहुत सक्सेस हो गया था पर लेकिन जो लैंडर था वो यहाँ पर प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही थी, सॉफ्ट लैंडिंग होती तो काम होता। तो यहाँ पर लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, तो यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली थी। सॉफ्ट लैंडिंग होती तो आराम से जाकर ये टिक जाता और यहाँ से ये निकल कर आता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से दिक्कत हो गई, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में सबसे बड़ी बात निकल कर आती है बेसिकली किसके बारे में, ये है जाफना। जाफना में फिशरमैन जो है वो यहाँ पर रिटायर्ड हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया जो फिशरमैन है यहाँ पर वो यहाँ पर ट्रोलर यूज करते हैं, तो सारी मछली पकड़कर ले जाते हैं। श्रीलंका के जो फिशरमैन है उनके पास में ट्रोलर नहीं है, तो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो इसके चलते यहाँ पर ये इशू निकल कर आता है। तो बार बार ये इशू रहता है, कोई एडिटोरियल आएगा फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कईयों बार डिस्कस कर चुका हूं, वैसे टेंशन मत लेना, रेगुलर लेक्चर देखोगे तो कोई भी टॉपिक आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रशिया और ज्यादा ट्रूप डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ पर बेलारूस में, तो आने वाले टाइम में नेटो का खतरा देखते हुए ये ऐसे इश्यूज आप लोगों को बार बार देखने को मिलते रहते हैं। पुतिन और इमरान जो है वो यहाँ पर बल्ले बल्ले करेंगे ओलंपिक के अंदर, तो देखते हैं कितना बल्ले बल्ले होता है। बाकी यहाँ पर पणजी ट्रॉफी जो यहाँ पर रणजी ट्रॉफी पणजी क्रिकेट से गेम में यहाँ पर ये ट्रॉफी आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, कई सारे यहाँ पर जो ना गेम आ जाता है और बोलते हैं ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो उसके बारे में याद रख सकते हैं। ये सुडोकू हो गया आप लोगों का, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, इसको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर, तो इसके बारे में अगर आंसर बात करें तो आंसर इसका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कमेटी और सारी बातें मैंने बता रखी है डिटेल में, तो ये तो अलग से आप लोगों को लेक्चर भी ले रखा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ये वीजा के बारे में, तो इनको मैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कौन सा वीजा कैसा कैसा है, तो H1B, H2B, HL1, J1, तो ये सारी बातें बता रखी है, ठीक है। तीसरा था यहाँ पर जो बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन की इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर नॉर्थ साउथ में लगाना है, तो ये सारा मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से लगा लोगे, समझाने कुछ है नहीं इसके अंदर, तो आराम से अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हैं। वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने यहाँ पर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है, और जरूर कोशिश किया कीजिए कि इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, स्टैगरिंग के बारे में, तो चौंका देने वाला बोला जा रहा है, बेसिकली शॉकिंग कुछ होता है, ठीक है। सेकअप यानी कि एक तरीके से हलचल, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर।
नेक्स्ट बात करें इम्प्रोवाइज, यानी कि चीजों को नहीं थोड़ा सा एक कई बार होता है कि एक तत्काल कर देना बिना सोचे समझे, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहिए। तो इम्प्रोम्प्टू भी एक यूज किया है, ठीक है, बिना सोचे हुए, ठीक है। इसी के साथ में नुक्सेस यानी कि हानिकारक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और परसीव्स यानी कि समझना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वोकैबुलरी है जिनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन दो पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर, उनको जरूर आप लोग देखेगा। लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।